वेलकम टू बाजी की दुनिया कनाडा में गाइस, और हम आज घूम रहे हैं पाकिस्तान के शहर में। और मैंने सोचा कि हम जब कनाडा में रहते हैं ना, तो हमारा बहुत दिल करता है कि हम पाकिस्तान की गलियों को देखें फिर से, और हम इनके शहरों को देखें, और मॉल्स को नहीं, क्योंकि मॉल्स हमने बहुत देखे हुए हैं। दिल करता है कि इन गलियों को देखें। तो मैं यहाँ पर अभी अब जो सीन देख रही हूँ, तो गोल्ड में दिखा रही थी, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस लिटरली इतनी ज़्यादा हैं, डिज़ाइंस इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और गाइज, मैंने ना हर एक को कहा हुआ है कि मुझे ना जो जाए बाज़ार वो जाके मुझे रिकॉर्डिंग देगा। और यहाँ पर बहुत लोगों के फ़ोन से एयर ड्रॉप की हुई है मैंने वीडियोस। मैंने लाइक लिटरली एवरी सीन कैप्चर करना है यहाँ पर रहते हुए, शहरों का और ये रेडियो का। यहाँ पर मूली खा सकते हैं आप, गाजर खाएं मसाला डाल के, और फिर इनके ऑरेंज जूस बहुत मज़े के हैं बाहर से इनकी रेडी पर जो मिलते हैं। और बर्गर्स तो हैं ही मज़े के, लेकिन मुझे ये पता चला है कि शवारमा यहाँ पर आपने नहीं खाना, क्योंकि ऐसी आई डोंट नो ये मिथ है या ये सच है कि शवारमा जो है वो इसमें ओरिजिनल चिकन नहीं डालते ये लोग, तो बेसिकली कुछ और डालते हैं, जैसे कि आई डोंट नो किसी गंदा गोश्त डालते हैं, मे बी मरी हुई मुर्गी का और समथिंग, आई डोंट नो। तो हमें स्ट्रिक्टली ना मना किया गया हमारी फैमिली की तरफ से कि तुम लोगों ने बाहर जाना है तो शवारमा नहीं खाना। एंड गाइस, ये है शहर, और ये शहर आज भी वैसे ही रखते हैं जैसे कि एक ज़माने में लगा करते थे। तो मेरा गला तो बहुत ही इस वक्त ख़राब हुआ है, मेरी तो वॉइस ओवर मुझसे नहीं हो रही, बट मैं फिर भी यूट्यूबर हूँ, वॉइस ओवर करूँगी, सो आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन दैट। और जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं यही शहर ही रिकॉर्ड करके लेके आऊँगी, सारा दिखाऊँगी शहर। और यहाँ पर देखें शादी की, जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं, हार वगैरह या मेहंदी का स्टफ़, या वो दुकान थी, और उसके पास ही बड़े मज़े के खाने भी बन रहे थे, तो मैं उसको जूम इन करके दिखा रही थी। और जब भी आप यहाँ पर बाहर निकलते हैं ना, वॉक करते करते आप ग्रैब कर लें, जैसे कि नान होता है ना, वो नान टिक्की, या फिर बेसन वाला नान, या समोसे। और जब से हम यहाँ आए हैं, हम समोसे तो ऐसे क्रेज़ी खा रहे हैं ना, लाइक हर रोज़ हम घर पे समोसे ऑर्डर करते हैं या बाहर जाके समोसे खाते हैं। लाइक हर एक जो भी बाहर से आता है ना, उसका बस यही क्रेविंग हो रही है कि मुझे ना गर्मा गर्म समोसे खाने को मिले। तो यहाँ के रहने वाले हमें कहते हैं कि ये इतना हाइजेनिक नहीं है जितना तुम लोग समझते हो, तो इतना ना खाओ, लेकिन हम भी ज़िद में हैं, हम भी खाएँगे। एंड गाइस, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पार्किंग लॉट, सो ये जो पार्किंग लॉट है, यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ पार्क्ड है ना, इस तरह पैक्ड हैं, और इसको एक गाड़ी को अंदर से निकालने के लिए ना, इन यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, वो आपकी एक गाड़ी को रिवर्स करता है, फिर अंदर से दूसरी गाड़ी निकालता है, फिर अंदर से तीसरी गाड़ी निकालता है, इस तरह ये गाड़ियाँ को बाहर निकालते हैं। सो कंजस्टेड, दिस प्लेस इज़ सो कंजस्टेड। लाइक मैं 13 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ, एंड बिलीव मी, इनके बाज़ार इतने कंजस्टेड हैं, इतने कि आप बाज़ार क्या, इनकी सड़कें इतनी कंजस्टेड हैं पाकिस्तान में अब, कि आप जब बाहर निकलते हो ना, आप लिटरली सोचते हो कि ये 5 मिनट की ड्राइव थी और हमें 30 मिनट्स की पड़ रही है, क्योंकि इतना रश होता है, इतना रश हो गया यहाँ पर कि गुजरने की जगह नहीं अब रही। सड़कों पे जिस तरह लोग ड्राइव करते हैं, वो तो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। मैं इनको बल्कि मजाक कर रही थी, मैं कही थी आप लोग इतने अच्छे ड्राइवर्स हो ना, आपको तो ऐसे आपकी प्लेट में रख कर आपको कैनेडियन एम्बेसीज को ना, कैनेडियंस जब आप कैनेडा जाते हो, उनको कहना चाहिए कि आप प्लेट में रख के हमारे लाइसेंस ले लो सारे ही जितने हमारे पास हैं। इतने कमाल के ये ड्राइवर्स हैं, जिस तरह से ये छोटी छोटी जगह से ड्राइव करके बाहर निकाल लेते हैं गाड़ी, या फिर आगे इतनी क्लोज से गाड़ी निकालते हैं दूसरी गाड़ी के पास से, जिसको हम कहते हैं ना कैनेडा में कि हमारी गाड़ी लग जाएगी, और लिटरली इनकी ये रूटीन है, और ये वहाँ से आराम से ना प्यार से गाड़ी निकाल लेते हैं। और इनकी गलियाँ, इनकी सड़कें नहीं बदली, बहुत कुछ वैसा ही है, बदल बस ये गया है कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा हो गया है, और ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा होती है ही कि हमारा वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको सारा ही कुछ ना ड्राइव पे दिखा रही थी, दुकानें के दुकानें ऐसे ड्राइव पर आप जब निकलते हैं, तो कनाडा में रहते हुए ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बल्कि ऑनेस्टली जब मैं कनाडा में हम थे, तो हम वहाँ पर क्रेव करते थे कोई हमें ऐसी वीडियो दिखाए कभी, सो दिस इज़ वाई आई एम शोइंग माई यूट्यूब पर, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा करती हूँ। ये थोड़ा शहर एरिया है, अब देखिए वो था थोड़ा कंजस्टेड एरिया, ये थोड़ा कम कंजस्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत रश होता है। गाड़ियों लेन तो गाड़ियाँ चूज़ करती नहीं ना है, मेरा बेटा कह रहा था कि मामा यहाँ पर लेन्स की लाइंस क्यों नहीं होती, और मैंने कहा अगर लाइंस होंगी भी तो क्या यहाँ पर कोई फॉलो करेगा लाइंस, यहाँ लेन को कौन फॉलो करता है। गाइस, यहाँ पर हम जा रहे हैं ननकाना साहिब, और ननकाना साहिब हमने गुरुद्वारा देखना जाना चाहते थे,
हुआ हमारे साथ ये कि हम जब वहाँ पहुँचे हैं, हमें कहा गया है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कि आप ननखाना साहिब को अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ननखाना साहिब का जो गुरुद्वारा है ना उसको आप अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम फिर उसको फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सके, तो हम ऐसे अंदर से घूम के आ गए फिर गुरुद्वारा के अंदर से। तो हम उसकी ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सके, तो हमने फिर ननखाना साहिब का जो शहर था ना उसको थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ है, उनकी गलियाँ थोड़ी रिकॉर्ड की हुई हैं, और कुछ हमने वहाँ खड़े होकर खाना पीना भी खाया। मैं आपको दिखाऊँगी आगे, ये है ननखाना साहिब बेसिकली, और ये एक छोटा सा शहर है, और वो है गुरुद्वारा जिसकी अंदर से कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने बाहर से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया कि हम अंदर से गुरुद्वारा कैसा लगता है, तो वो ये है। तो अंदर हमें फ़ोन्स लेके जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, बाहर लिखा हुआ था कि अगर आपको फ़ोन्स लेके जाने हैं तो आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी होगी एंड देन यू कैन टेक योर फ़ोन्स इनसाइड टू रिकॉर्ड, अदरवाइज़ यू कैंट। तो ये है, बहुत ही खूबसूरत सा ही गुरुद्वारा था अंदर से भी, और हमें बहुत मज़ा आया। वैसे हम आए हैं पाकिस्तान, चले हमने ये भी देख लिया, ये भी एक हमारी एक मेमोरी बन गई। और इसके बाद हमें जब ये बाहर से थोड़ा घूम लिया, अच्छा यहाँ पर ये कीरिंग पड़े हुए हैं भाई जान, वहाँ गोलगप्पे लेके आ रहे हैं। कौन सी वाली? वो लेने गया गोलगप्पे। कौन सी ग्रीन थिंग? वो ये कितने की है? 100 रुपए? नहीं ये वाली नहीं। और कौन सी है आपके पास? और वो पिकाचू, ये पिकाचू वाली है, ग्रीन वाली, ये जो आपके हाथ में है, ये जो आपके हाथ में है, ये है और नई वाली। नहीं ले लो वो ऑरेंज वाला, वो ऑरेंज वाला दे दे। हाँ जी, ये बेहतर लग रहा है, ग्रीन वाला। साफ पीस नहीं है आपके पास? ये वाला, ये वाला साफ नहीं, इसका ही ग्रीन वाला नहीं है। चलिए फोन दे दें। ये कितने का है फोन? 60। चूज करो। यहाँ पर ये की रिंग्स पड़े हुए हैं, ये पंजाब ये की रिंग है। This one is nice. और हमने रेडी से लेकर ना ये बहुत ही कोई फ्राइज़ खाई जिसका दिल नहीं कर रहा था खाने को, क्योंकि वहाँ बहुत मक्खियाँ बैठ रही थी, लेकिन हमने फिर भी खाए क्योंकि हम पाकिस्तान में हमने यही चीज़ें खानी हैं, हमें ये आलू टिक्की, नान टिक्की और फ्राइज़, हम ढीठ होके खा रहे हैं ये सारी चीज़ें, उल दो हमें पता है कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मैं यहाँ अपनी वीडियो आज की एंड करती हूँ। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं हर रोज़ 6 AM क्रेडिट टाइम पर वीडियोज़ डालती हूँ। थैंक यू।